हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम समझेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी बच्चे से कोई काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए पहले आपको उसका नेचर समझना पड़ेगा कि ये बच्चा काम में इंटरेस्ट लेता है, पूरे मन से काम करता है, या ये बच्चा काम चोर है। अगर काम में वो इंटरेस्ट लेता है, मन से काम करता है पूरे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई लालच रख देंगे कि बेटा तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, टॉफ़ी दूंगा। और वो बच्चा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि, तो वो जल्दी जल्दी काम को कर देगा और चॉकलेट टॉफ़ी में खुश हो जाएगा। बट ऐसे बच्चे जिनका मन नहीं लगता है, कामचोर होते हैं, तो उनका लालच देने से उन काम नहीं चलता। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, पनिशमेंट रखने पड़ते हैं कि बेटा ये काम करिए वरना आपको फिर ये पनिशमेंट मिलेगी, ये काम इतने टाइम में होना चाहिए। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इसी तरह के एम्प्लॉयज़ को डिफाइन करती है। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने मन से काम को करते हैं, वो थ्योरी वाई की कैटेगरी में आते हैं। और थ्योरी एक्स में वो एम्प्लॉय आते हैं जिनका मन नहीं लगता काम में, और उनके लिए हमें पनिशमेंट्स रखने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो किसी भी मैनेजमेंट को जब काम लेना है एम्प्लॉयज़ से, यानी मैनेजर को जब एम्प्लॉय से काम लेना है, तो उसे एम्प्लॉयज़ का नेचर समझना होगा पहले कि ये किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, इनका इंटरेस्ट है काम में कि इनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट उनका होगा तो उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, अप्रिसिएशन दिया जाएगा उनको। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर उनके लिए पनिशमेंट्स रखनी पड़ेंगी, जैसे कि सैलरी काट ली, या इस तरह से हमें उनको पनिश करना पड़ेगा उनसे काम लेने के लिए। तो थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है काम में, और थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं जो अपने मन से काम को करते हैं। तो हर मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को परखना होगा। तो मिस्टर मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी एक्स में और थ्योरी वाई में इन्हीं दो लोगों को डिफाइन किया है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वर फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय मैकग्रेगर इन हिज बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इन्होंने अपनी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बुक में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को एक्सप्लेन किया है। एंड दे रिफर टू टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बताया है, एक होता है अथॉरिटोरियन और दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव। अथॉरिटोरियन का मतलब सारी अथॉरिटी मेरे पास है, मैं अथॉरिटी किसी को नहीं दूंगा, बट मैं क्या करूंगा, पनिशमेंट दूंगा अगर काम को नहीं किया जाता है। मैं अथॉरिटी नहीं दे रहा किसी को कि तुम ये अपनी मर्ज़ी से कर लो, क्योंकि मर्ज़ी से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इनका मन नहीं लग रहा है काम में, मुझे इन्हें स्ट्रिक्टली इनसे काम लेना पड़ेगा। तो होता है अथॉरिटोरियन, जो कि थ्योरी एक्स में होता है, एंड पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब सब पार्टिसिपेट करते हैं काम में, मिलजुल कर काम को करते हैं। तो ये थ्योरी वाई में इन्होंने डिफाइन किया है। नाउ थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स मैनेजर्स टेंड्स टू हैव अ पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ देयर पीपल। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, मतलब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, निराशावादी, एक निराश मैनेजमेंट होता है अपने एम्प्लॉयज से। दे एंड एज्यूम दैट दे आर नेचुरली अनमोटिवेटेड एंड डिसलाइक वर्क। और मैनेजमेंट ये एज्यूम करके चलता है कि इनका मन नहीं लगेगा काम में और ये अनमोटिवेटेड हैं, इनको हमें पनिशमेंट से ही इनको चलाना पड़ेगा या इनसे काम लेना पड़ेगा। अथॉरिटी इज़ रेयरली डेलीगेटेड एंड कंट्रोल रिमेंस फर्मली सेंट्रलाइज्ड। तो ऐसे में हम किसी को अथॉरिटी तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है इसका मन नहीं लग रहा है, अगर अथॉरिटी दे रही तो इसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो इसीलिए अथॉरिटी सारी मेरे पास है, मतलब सेंट्रलाइज्ड रहेगी, ओनर के पास या मैनेजर के पास सारी अथॉरिटी रहेगी। बट वो बस क्या करेगा, पनिशमेंट्स देगा, और उसका मेन फोकस यही रहेगा कि हमें स्पेसिफाइड टाइम में काम को करवाना है, चाहे कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद। दिस अप्रोच अज्यूम दैट वर्कर्स, तो इस अप्रोच में क्या अज्यूम किया जाता है कि वर्कर डिसलाइक देयर वर्क, अपने काम को पसंद नहीं करते, डिसलाइक देयर वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, और उन्हें हमेशा एक डायरेक्शन की, एक मतलब जैसे छड़ी लेके भेड़ को हाँकते हैं, उसी तरह से हमें इन्हें भी चलाना पड़ेगा। हैव टू बी कंट्रोल्ड, फोर्स्ड एंड थ्रेटन्ड टू डिलीवर वर्क। उनसे काम करवाने के लिए उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और उन्हें डराना धमकाना पड़ेगा। नीड टू बी सुपरवाइज्ड एट एवरी स्टेप, उन्हें बात बात के लिए हमें टोकना पड़ेगा। तो ये होते हैं थ्योरी एक्स के वर्कर्स। अब हम देखेंगे थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में क्या होता है, मैनेजर का व्यू होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी व्यू होता है, वो अपने एम्प्लॉय से खुश होते हैं, निराश नहीं होते।
पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ देयर पीपल, उनका एक पॉजिटिव ओपिनियन होता है, मतलब एक खुश होते हैं अपने एम्प्लॉय से वो, एंड दे यूज़ आर डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब अथॉरिटी दे दी कि भाई ये लो लॉकर की चाबी हमने तुमको दे दी, या उस कमरे की चाबी तुमको दे दी, या रॉ मटेरियल जहाँ रखा है वो चाबी हमने तुमको दे दी, तुम आराम से एक्सेस करो और अपने काम को करो, क्योंकि हमें भरोसा है अपने एम्प्लॉयज़ पर, हमें पता है ये अपने मन से काम को कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, मतलब सब मिलजुल कर काम को करेंगे, यानी कि हम सज़ा दे रहे हैं ये सब नहीं चलेगा वहाँ पे। वहाँ पे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है कि सब मिलजुल कर काम को कर रहे हैं। दिस इनकरेजेस ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड देयर टीम मेंबर। इससे क्या होता है, मैनेजर और टीम मेंबर जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट, एक भरोसे की रिलेशनशिप बनती है। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट, इस अप्रोच में क्या एजम्पशन होता है, हैप्पी टू वर्क ऑन देयर ओन इनिशिएटिव। तो इसमें मैनेजमेंट क्या एज्यूम करके चलता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अपने मन से खुश होकर काम को कर रहे हैं। मोर इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग, तो इसमें क्या है, सबको डिसीजन लेने की पावर है, सब के पास अथॉरिटीज़ भी हैं, तो सब बहुत खुश हैं। सेल्फ मोटिवेटेड टू कम्प्लीट देयर टास्क, तो वो खुद से मोटिवेट है, यानी कि उन्हें एक हम बात बात पे टोकें, वो खुद से मोटिवेट है, उन्हें खुद पता है क्या करना है, हम क्या अच्छा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या बुरा है। इन्जॉय टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, तो वो अपने काम की ओनरशिप खुद लेने के लिए तैयार है, मतलब अपने काम को खुद से वो करेंगे, उन्हें ये नहीं है कि हम उनके पीछे कोई सुपरविजन करें, इस तरह की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो खुद से काम को करने के लिए तैयार है। सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड लिटिल डायरेक्शन, उन्हें बहुत छोटी मोटे डायरेक्शन की ज़रूरत है कि हाँ ये काम तुम ऐसे कर लेना, बस थोड़ा सा हमने बता दिया, बाकी सब अपने आप हो गया, वो खुद से कर लेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेते अच्छा लगता है, जिम्मेदारी संभालते उन्हें अच्छा लगता है। इस अप्रोच में ये एजम्पशन लेके मैनेजमेंट चलता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में डिफरेंस क्या है। मोटिवेशन, थ्योरी एक्स कंसिडर्स दैट पीपल डिसलाइक देयर वर्क, जैसे मैंने बताया कि थ्योरी एक्स में मैनेजमेंट क्या एज्यूम करके चलता है कि एम्प्लॉयज़ काम को अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम को नापसंद कर रहे हैं, उनसे काम करवाने के लिए हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जबकि थ्योरी वाई कंसिडर्स दैट पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड स्पोर्टिंगली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें क्या एजम्पशन होता है थ्योरी वाई में, कि वो खुद से काम को करेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट स्टाइल एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट स्टाइल इसमें क्या होता है, थ्योरी एक्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज अथॉरिटोरियन। अथॉरिटोरियन का मतलब होता है कि सारी अथॉरिटी ओनर के पास है या मैनेजर के पास है, और वो बस सबसे काम करवाएगा पनिशमेंट दे दे के, डरा धमका के। वाइल इन थ्योरी वाई टाइप ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट स्टाइल इज पार्टिसिपेटिव, इसमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल होता है, मतलब सब मिलजुल कर काम को करते हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, और सबको डिसीजन मेकिंग की चांस मिलता है, और सबको सबके पास अथॉरिटी होती है। रिवॉर्ड एंड अप्रेजल्स, थ्योरी एक्स में कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, इसमें कैरेट एंड स्टिक टाइप से हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को डील करना पड़ता है। कैरेट एंड स्टिक का मतलब, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, साम दाम दंड भेद, मतलब हमें अपना काम किसी तरह से करवाना है, इनको सज़ा दे के, इनकी सैलरी काट के, कुछ भी करें, हमें काम अपना चाहिए बस। इफ़ द टास्क नॉट कम्प्लीटेड विद इन अ डेडलाइन वर्कर्स आर पनिश्ड, अगर इसमें गिवन टाइम में काम नहीं कम्प्लीट होता है तो वर्कर को क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। कैसे पनिशमेंट, की सैलरी काट ली, बोनस काट लिया, इस टाइप से। थ्योरी वाई में क्या होता है कि उनको फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है प्रमोशन की, बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट इज वर्क ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी एक्स एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज्ड एंड सेम वर्क कंटिन्यूज। थ्योरी एक्स में क्या होता है, जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम सौंप दिया जाता है, बस वो वही काम करता रहता है, उसको कुछ सोचने की, कुछ सजेशन देने की कोई भी आज़ादी नहीं होती है कि भाई तुमको जितना काम मिला है उतना करो, तुम्हें ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना काम जितना मिला है उतना करो और चुपचाप बैठो। थ्योरी वाई में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू डेवलप एक्सपर्टाइज़, तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं थ्योरी वाई में, एम्प्लॉयज़ न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं और नए नए काम में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड मेक सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स, और उन्हें सजेशन देने की भी आज़ादी होती है कि हाँ कोई काम अगर तुम्हें और बेटर तरीके से आता है तो तुम उसे बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो और ख़ुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
तो ये था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।